through this song called Tarse Naina. This song is conceived and made out of love, and a lot of people are involved in making this song. This song is being presented today, but before I say anything more about this song, I want to tell you that now, now I have a news that on YouTube, this song is number 6 on trending. और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में है क्योंकि इस गाने को रिलीज होके 24 घंटे भी नहीं हुए तो 12 घंटे भी नहीं हुए और इस गाने को कंपोज किया है एक बहुत अच्छे नाम एक बहुत टैलेंटेड कंपोजर बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन ने और इसे लिखा है बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही रिस्पेक्टेबल लिरिसिस्ट ने तो पहले सबसे पहले मैं आपको उस लिरिसिस्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी उनका तारुफ करवाना चाहूँगी कुमार साहब कंपोजिशन आई वुड वांट टू से समथिंग गुड इवनिंग थैंक यू जी आपका अक्सर काम होता है कि लिरिसिस्ट की बारी बाद में आती है तो उसके लिए भी थैंक यू ये जो गीत है राम जी गुलाटी ने कंपोज करके रखा था एक दिन आपको 2 बजे मैं स्टूडियो में जाता हूँ और राम जी बोले वीर जी मैंने आपको कंपोजिशन सुनानी है और बनाई है 2 घंटे पहले तो वो इतनी पसंद है उन्होंने इमीजिएटली गाना वो रिकॉर्ड कर दिया फिर हमने जी में दिया अनुराग सर को और ये गाना बना इसके बोल थे तब से ये नैना प्यार की पहली बारिश में बरसे क्यों ही नैना तो राम जी ने और इसको बनाया फिर हमने आनंद से उसको डब करवाया और अभी आपके सामने ट्रेंड कर रहा है गाना और आगे मेरे को लगता है और ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है आगे और थैंक यू वेरी मच राम जी गुलाटी ये गाना देखा तो मुझे इतना खूबसूरत लगा ये गाना कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गाना नहीं एक शॉर्ट फिल्म देख रही हूँ इस गाने ने इतना कुछ कह दिया राम जी थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर एंड सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू टू राम जी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू share the song with Veerji and under his guidance it's such a blessing to make a composition and to be a part of music and we have wonderful vocals by my brother Anand Bajpai jinhone gana gaya hai I would like to call him on stage please come aap dono ne I think ye gana itna aap jo chamak rahe gana ye in dono ki wajah se hai so thank you so much guys and I would like you to please to speak something मुझे जैसे राम जी सर ने गाना सुनाया था तरसे नैना मुझे पहली बार गाना सुनते ही प्यार लगा था इस गाने से और बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे मेरे दिमाग में कि कैसे शूट होगा क्या स्टोरी होगी आई वाज सो एक्साइटेड हम लोगों की जितने भी लोगों ने टीम मेंबर्स ने इसमें जितनी भी मेहनत की है वो आज मेहनत रंग लाई है जब हम लोग 6 ऑन ट्रेंडिंग है विच इज़ रियली ह्यूज थैंक यू सो मच बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच एक्चुअली मुझे इस गाने के बारे में बहुत पहले से पता था और जब हम एक और गाना शूट करते से पहले तब उन्होंने मुझे गाना सुनाया था और था कि आउटकम बहुत अच्छा आएगा और आज आउटकम सबके सामने है मतलब काश मी माय हार्ड वर्क आर हार्ड वर्क पेड ऑफ इट्स एक्चुअली हैट्स ऑफ टू रोहन वो जो सीन दिख रहा है जितना आसान वो बहुत ही डिफिकल्ट था और हम सब सोच रहे थे कैसे ऊपर जाएगा ऊपर तो चढ़ गया जब नीचे उतर रहा था तो एक्चुअली उसको देख ही ना कि काफी वाइड शॉट है लेकिन मेरे जो पैर थे ऐसे करते करते शिवर हो रहे थे और हमारे रोहन भाई की टी-शर्ट भी पीछे से फट गई थी उधर से उधर से सो बट हैट्स ऑफ टू हिम दैट ही पुल्ड इट ऑफ एंड वन टैग हां सो आप लोगों ने देखा इतना खूबसूरत गाना है नंबर 6 पे ट्रेंड हो रहा है तो हमें ये कहने की बार बार ज़रूरत नहीं कि इतना खूबसूरत गाना है ये एक चीज़ जो आप अपनी तो रोहन को इतनी मरतबा देखते हैं कि आपको शायद ये नहीं पता कि इस गाने से इनका डेब्यू हुआ है सो दिस इज योर डेब्यू ओके सो दिस इज अवनीत्स डेब्यू वी ऑल नो रोहन एंड अवनीत बिकॉज दे आर ऑल ओवर द प्लेस every screen that you open up it's either you or you now I would like to call upon stage Mr. Bhandari yes I can what acha sa aapke show ka bahut achi movement hua hai so yes I really like the dance ka chori mujhe bahut achi lagi unki aur yeah I mean aap GTV mein tarah serials ke
पर्सनली आस्किंग मी अगर मुझे कोई रोल करना हो तो दैट वुड बी समथिंग जो एक सोशल मैसेज दे जो एक वुमेन ओरिएंटेड हो टीवी इज एक्चुअली वुमेन्स ओरिएंटेड बट कोई जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे बेचारी वर्क टाइम्स नहीं सो आई वुड रियली प्रिफर सच अगर लुक